वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, आप लोग को चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो को जाने के पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में मैं आपको अच्छा अच्छा एजुकेशनल वीडियो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग का वीडियो सबने पोस्ट किया और आप सबने हमको सपोर्ट किया और 301 सब्सक्राइबर सब तक हो गया। तो विथ इन शॉर्ट टाइम आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है। अगर हम लोग शेयर मार्केट में निवेश करता है, सो डे टू डे हम लोग बाई सेलिंग करता है, तो जैसा नया नया रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, हमको अपने आप को अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ रेगुलेशंस नहीं समझते हैं तो किधर ना किधर हमको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जैसा आज का ये अपडेट है, तो बहुत पहले से सेबी ने इसका इनिशिएटिव लिया था, तो अगस्त महीने से इसका पैनल में बात चल रहा था, तो आज ऑफिशियली इन्होंने न्यूज़ दिया हुआ है और इफ़ेक्टिव रहेगा जनवरी 2022 से। तो दोस्तों, हमको ये बात अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, इसके लिए आपको ये वीडियो बना रहे दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, इधर 1, 2, 3 दिया, अभी 1 में आ गया, मतलब T+3 से अभी हम लोग T+1 तक आ गया, मतलब आने वाला है जनवरी से। तो आप देख सकते हैं, शिफ्टिंग द कंट्रीज ट्रेड सेटलमेंट टू T+1, सो ट्रेड प्लस वन डे रहेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या चेंजेस रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, वीडियो एंड तक देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये वीडियो लंबा नहीं रहेगा, जो शॉर्ट रहेगा, जस्ट आपको की पॉइंट्स हम लोग अपडेट दे रहे हैं ये वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे हमने बोला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द ऑप्शन टू स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर दे कैन चूज बिटवीन T+1 एंड T+2 सेटलमेंट साइकल्स। द डिसीजन केम आफ्टर द मार्केट रेगुलेटर रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स टू फर्दर शॉर्टन द सेटलमेंट साइकिल। तो दोस्तों, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी का जो साइकिल है T+2 है, मतलब तो आपको सेटलमेंट होने में डिले होता है। और इधर सेबी ने ऑप्शंस किसको दिया है, स्टॉक एक्सचेंज को दिया है, मतलब BSE NSE रहेगा, वो लोग इस उनका हाथ में ये ऑप्शन, उन्होंने T+1 एंड T+2 वो उनका हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उसका भी आगे क्राइटेरिया हमको मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा हमने बोला, जे 2003 अप्रैल 2003 में प्लस इंडिया में T+3 का सेटलमेंट ऑप्शन था, तभी उन्होंने 2003 में इसको T+2 में कन्वर्ट किया। तो बहुत लंबा तक ये चला, अब जाके हमको आगे T+1 मिलने वाला है। तो आपको बताया, जैसा अर्लियर इन अगस्त 2021 सेबी हैज सेट अप ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू लुक इनटू द कंसर्न्स दैट कुड हिंडर द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द कंट्रीज ट्रेड सेटलमेंट टू T+1 ट्रेड प्लस वन डे फ्रॉम द करंट T+2। मतलब आप कुछ नया रेगुलेशन लाता है, तो क्योंकि करोड़ों लोग इसमें ट्रेडिंग करता है, तो हम लोग हमको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो सेबी ने इसके लिए पैनल सेटअप किया था, एक्सपर्ट्स का पैनल, तो उन्होंने बराबर स्टडी करके अपना इन्फॉर्मेशन पूरा दिया। आज का दिन में इनका फाइनल डिसीशन आ गया दोस्तों। ये न्यूज़ आप बिजनेस मिंट, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी अपना स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स देता है, तो इकोनॉमिक टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर में आप जाके भी डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में चूज टू ऑफर T+1 सेटलमेंट साइकिल ऑन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट आफ्टर गिविंग एन एडवांस नोटिस ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। तो इधर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को फ्री हैंड दिया है, तो उन्होंने कौन सा भी स्क्रिप्ट को ये डिसीजन ले सकता है, बट एक कंडीशन है, आफ्टर गिविंग एन एडवांस नोटिस ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। तो इनको क्या करना है, अगर कोई भी कंपनी का अभी T+1 में ये लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो T+2 से इनको 1 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ता है। तो रिगार्डिंग चेंज इन द सेटलमेंट साइकिल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, द सेम हैज टू बी कन्वेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड ऑल्सो डिसिमिनेटेड ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। तो मतलब अभी इन्होंने ऑल ऑफ सडन, आज का दिन T+2 है, कल का दिन T+1 नहीं हो सकता है, इसके लिए इन्होंने 1 महीने का पहले पब्लिक को नोटिस देना पड़ता है, और NSE और BSE का वेबसाइट्स में आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम डेली NSE एंड BSE का वेबसाइट पढ़ते रहते हैं अपडेट्स के लिए, तो आप भी आदत डाल दीजिए, इसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन से, कॉर्पोरेट मीटिंग से, बोनस आने वाला है, डिविडेंट आने वाला है, नहीं तो कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है, ये सारा चीज़ इन्होंने डे टू डे
ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में मिलते रहते हैं। तो अभी आगे ये भी आपको एक सब्जेक्ट देखने मिलता है, अगर कोई भी एक स्टॉक 1 महीने के बाद में T+1 में जाने वाला है तो ये लोग एडवांस में नोटिफिकेशन डाल देता है। और सेबी फर्दर नोटेड दैट स्टॉक एक्सचेंज विल हैव टू मैंडेटरीली कंटिन्यू विद द सेम फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर ऑप्टिंग फॉर T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर ए स्क्रिप। तो पहले का कंडीशन था कि 1 महीना पहले इन्होंने नोटिफिकेशन देना है पब्लिक को, मतलब उनका वेबसाइट में डालना है। तो अभी एक बार T+2 था वो T+1 में आ गया, तो इनको मिनिमम 6 महीने तक ये रखना है, तो इन बिटवीन इनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो अभी समझो आज का दिन में T+1 में कन्वर्ट हो गया, तो आज से 6 महीने लगातार यही रहेगा, मतलब हमको कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। समझो हमारे पास एक स्टॉक है तो T+1 में आज बदल गया, तो आपको 6 महीने तक ये चलते रहेगा। अगर फिर से कुछ चेंज होने वाला है तो आपको फिर इंटीमेशन मिल जाते हैं। ये जस्ट लाइक सर्किट का चेंजेस होता है, 5% सर्किट, 10% सर्किट, सिमिलरली ये भी रहेगा दोस्तों। अगर समझो उनको फिर से बैक टू T+2 में जाना है एक स्टॉक को, तो T+2 में जाना है तो क्या करना है, फिर से सेम है इनको रिपीट करना है, 1 महीने का एडवांस नोटिफिकेशन देना है और उनका वेबसाइट में पोस्ट करना है, उसके बाद में T+2 में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो भी हम आगे जाके देख लेंगे। तो दोस्तों द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन September 7 इंट्रोड्यूस, तो September 7 आज का दिन है तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका इफेक्टिव डेट रहेगा दोस्तों January 1, 2022, नेक्स्ट ईयर नया साल का पहले दिन से ये लागू हो जाएगा ये कानून। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टॉक एक्सचेंजेस टू ऑफर इधर T+1 और T+2 सेटलमेंट साइकिल। तो दोस्तों ये हम पहले भी देखा, बार बार रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो सकते हैं दोस्तों, T+1 और T+2 में क्या होता है? नॉर्मली हम एक स्टॉक आज हमने भेजा तो हमको क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो में आपको सेटलमेंट हो के आपका स्टॉक तो डिसअपेयर हो जाएगा, तो आपको पैसा कभी मिलता है 2 दिन का बाद में आपका अकाउंट में आता है। तो अभी T+1 करने से क्या हो जाएगा, तो 1 दिन पहले आपको मिल जाता है, तो 2 दिन वेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आज मैंने एक स्टॉक भेजा, कल का दिन में हमको ये हमारा पैसा हमारा अकाउंट में आ जाता है, तो आपको फिर से बाइंग करने का आपको लिक्विडिटी मिल जाता है, आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, तो हमारा जैसा रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो स्टॉक में क्या हो सकता है, अगर स्टॉक में देखिए अभी 2 दिन चलता है तो थोड़ा डिले रहते हैं, तो स्टॉक में भी लिक्विडिटी बढ़ेगा। जिसका स्टॉक T+1 में है तो समझो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रहेगा, जो भी एक्टिविटीज़ रहेगा ये बहुत बढ़िया तरीके से जा सकते हैं। जो T+2 है तो नॉर्मली इसमें थोड़ा स्लो मूवमेंट्स हो सकता है, तो जैसा मैं सोच रहे, तो आगे जाके हमको क्या क्या इसका इफेक्ट्स आता है वो तो हम देख सकते हैं। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अभी एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ रहता है, तो आज भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो जस्ट मेक इट क्लियर, एक्स डेट जो है आपको एक्स डेट ऑन और आफ्टर एक्स डेट आप सेल करेगा तो आप डिविडेंड बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे, इसके लिए वो एक्स डेट देता है, मतलब एक्स डेट का दिन आप सेल कर सकते हैं, तो नहीं तो उसका बाद में भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट नॉर्मल क्या होता है, एक्स डेट का बाद में 2 दिन का बाद में रिकॉर्ड डेट देता है, जैसा कल 8 सितंबर है तो 10 सितंबर रिकॉर्ड डेट रहेगा। तो आगे जाके ये T+1 होता है तो क्या हो जाएगा, 8 सितंबर आपको एक्स डेट रहेगा तो 9 सितंबर रिकॉर्ड डेट आ सकता है। तो कुल मिला के ये हमारे लिए एडवांटेज ही है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। तो आप समझो पहले T+3 था, अभी T+2 है, अभी T+1 आने वाला है, तो हमको जैसे आपको कुछ ज़रूरी पैसा है, आप कुछ स्टॉक है, आपको अर्जेंटली पैसा निकालना है, तो आप आज आज भी भेजेगा तो आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ता है, आगे जाके ये 1 दिन में आपको आपका पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों आपका समय के लिए धन्यवाद, आप कंटिन्यूस हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।